स्वागत है आप सबका अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों की श्रृंखला में। अभी तक मेरी यही कोशिश रही है कि कहानियों के माध्यम से मैं आपसे बातें करूं, न कि आप पर बातें थोपूं। आज की कहानी का नाम है मूर्ख कौन। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, पूछिए महाराज। राजा बोले, आप इतने बुद्धिमान हैं किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को जरा बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? राजा ने कहा, पंडित जी आपके पुत्र को यह भी नहीं मालूम कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। वो बहुत उदास थे और उनके कानों में बार बार राजा के शब्द और दरबारियों की हंसी गूंज रही थी। अपने पिता को उदास देखकर पुत्र ने पूछा, पिताजी आप आज इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी ने दुखी मन से कहा, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पूछिए पिताजी, पुत्र बोला। ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना अधिक मूल्यवान है, पुत्र ने तबाक से उत्तर दिया। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कह रहे थे कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं है। पिताजी की बात सुनकर पुत्र सारा मादरा समझ गया। वो बोला, पिताश्री मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूं उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहां ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से जाता हुआ देखकर राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर पूछते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूं। ये देखकर वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं फिर भी चुपचाप वहां से चला जाता हूं। पूरी बात सुनकर पंडित जी बोले, पुत्र जब तुम्हें मालूम है कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो ना। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण देखो मुझे भी अपमानित होना पड़ा। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी मेरे साथ चलिए, मैं आपको कारण बताता हूं। और फिर वो पंडित जी को शहर के आखिरी छोर तक ले गया जहां कई बेघर और गरीब लोग रहते थे। उस लड़के को देखकर उन सभी के चेहरे खिल उठे और कईयों ने प्रेम से उसका अभिवादन किया। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर पुत्र ने कहा, पिताश्री इनमें से अधिकतर लोगों को ढंग का काम नहीं मिल पाता है और कईयों को तो कई दिन तक खाना भी नसीब नहीं होता है। हर बार जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं तो इनमें से किसी एक को आके दे देता हूं। इनके लिए उसका मूल्य इतना है कि एक ही सिक्के से कई सारे लोगों के भोजन का प्रबंध हो जाता है। कुछ लोगों के पेट भरने के बाद वे काम पर भी चले जाते हैं। पिताजी राजा के लिए मुझे रोकना और अपने हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वो प्रश्न पूछना दरअसल एक खेल बन गया है। अक्सर वो ये खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर चला आता हूं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया ना, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और तब मैं गरीबों को कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं कभी भी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ में आई और उस पर गर्व भी हुआ, किंतु उन्हें लगा कि राजा को भी सत्य मालूम होना चाहिए। तो वे पुत्र को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे जहां लड़के ने सारी बात राजा को बताई और उन्हें समझाया कि वह चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता था। पूरी बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोले, असली विद्वान तो तुम हो, देखा जाए तो हम सब मूर्ख हैं। फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि उन बेघर लोगों के लिए भी सहायता की व्यवस्था करवाई जाए। कहानी खत्म। क्या कह गई ये कहानी? क्या सीखा हमने? यही कि बुद्धिमान मनुष्य में मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा कुछ कम मूर्खताएं नहीं होती हैं, परंतु दोनों में एक विशेष अंतर होता है। मूर्ख व्यक्ति की मूर्खताएं दुनिया को मालूम होती हैं, परंतु वे स्वयं उससे छिपी रहती हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति की मूर्खताएं स्वयं उसको विदित होती हैं, मगर वो उन्हें दुनिया से छिपा कर रखता है किसी भले उद्देश्य के लिए। वैसे भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना व्यर्थ है
बस कर्म करते रहना चाहिए। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकेंगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। अगली बार फिर एक नई कहानी, एक और ऐसा ही नया फलसफा, एक और नया संदेश, देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज़।